बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीवी 1947 में खुश आमदीद। कमर भी काबू की खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जना पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाल में और ये अंगर रखे वाले हैं, इनके साथ में आया हूँ शाल में। कहाँ से? शिमला पहाड़ी से हैं। शिमला पहाड़ी से आया हूँ और ये अंकल को मैं अभी किराया दे रहा हूँ। जो आपका मेरा किराया मतलब मुकर्रर हुआ था उससे डबल है ना? डबल। ये आपको हमारे चैनल की तरफ से ठीक है, आपने इसकी चाय पीनी है, जो आप मरासो समझते हैं ना वो आपने करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है वैसे आपका? इसरार अहमद। इसरार अहमद। कितनी देर हो गई आपको ये काम करते? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। एक बेटा। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जनाब वाला आप देख सकते हैं मैं इस वक्त शाल में मौजूद हूँ। ये जनाब ये शालमई वो मार्केट है जहाँ जनाब दुनिया भर से चीज़ें आती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। दुनिया जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें आती हैं इधर शालमई में आती हैं। शाह आलम मार्केट है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। जी जनाब वाला, इस वक्त मैं मेन शालमी और बेसमेंट में शॉप है आइडियल ट्रेडर, इनके पास लगी होते हैं बड़े बेहतरीन फोर व्हीलर टू व्हीलर और बहुत ही यानी कि जो भी आप ब्रांड चाहेंगे इनके पास मिलेंगे। आइए इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और थोड़ा शालमी के हालात वाकया से भी ज़रा आशना होते हैं। तो क्या कहते हैं भाई जान जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अदील है। अदील अहमद। तो ये जनाब ये शॉप आपकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आइडियल ट्रेडर के मतलब आप ऑनर हैं? जी आइडियल ट्रेडर। माशाल्लाह, कितनी देर से काम कर रहे हैं ये? माशाल्लाह जी 13-14 साल हो गए। 13-14 साल आपको मतलब कि पढ़ाई के फौरन बाद आ गए थे? हाँ जी फौरन बाद आ गए थे। अच्छा, अकेले होते हैं ये साथ आपके? क्यों होते हैं? अकेले होते हैं, वाले साहब होते हैं मेरे। वाले साहब साहब। अच्छा, ये अंकल आपके वाले साहब हैं? जी हाँ। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। और सर आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें, माशाल्लाह आप सीनियर हैं तो ये जो शालमी के इस वक्त हालात हैं काम के कैसे हैं? कुछ थोड़े से नरम है लेकिन मगर इससे पहले ठीक थे या अब ठीक है? यानी कि रमजान अब ठीक है? रमजान में बिल्कुल रमजान में स्लो था। स्लो था। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये डॉलर का लोग कहते हैं, दुकानदार कहते हैं अक्सर चीज डॉलर 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 की रेट प्लस होता है तो प्लस हो जाता है, कम होता कम होता है, ये वजह है अभी है कि बस ये बहाना होता है? नहीं वजह है। वजह है? सही वजह है। नहीं अगर आपके पास चीज बड़ी हुई है तो तभी रेट प्लस हो जाएगा? चीज जो मतलब है खरीदी हुई है पहले की। अच्छा, सस्ती खरीदी हुई है। अच्छा, तो वो सस्ती बेचेंगे। अच्छा, जो अब इस डॉलर में आएगी। अच्छा, उसको महंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये गाइड करें कि ये मौजूदा दौर की उम्र में मतलब काम करने का मजा आ रहा आपको या साबका में मजा आ रहा था, मतलब नवाज शरीफ की हुकूमत में या खान साहब की हुकूमत में? ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो लोग कहते हैं डॉलर डॉलर डॉलर, डेफिनेटली डॉलर के साथ जो है वो आपका लिंक है और डॉलर की वजह से आपका प्राइस इंक्रीज होती हैं, डॉलर से ही आपका पोर्ट के अखराजात और दूसरे अखराजात और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस आपकी एक्सीड हो जाती है एक नॉर्मल वैल्यू से। तो डेफिनेटली जब भी डॉलर बढ़ेगा, स्टॉकिस्ट के पास जब माल होगा डॉलर बढ़ेगा, 5 रुपये डॉलर बढ़ा तो उसने अपने 5 रुपये के हिसाब से उसने रेट डबल कर देना, उसने रेट बढ़ा देना है, क्योंकि नेक्स्ट वो उस डॉलर पर प्राइस तो आनी नहीं है और ना मिलनी है।
तो देन जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होती है और जो है वो लेने वाला जो है वो यही समझता है कि शायद अब कोई भी माल मंगवाएगा चाइना से या कहीं बाहर से मुल्कों से वो आएगा तो वो डेफिनेटली महंगा आएगा, तो फिर जिसके पास के पास वो रेट ऊपर बढ़ा देता है, देन ये बच जाता है। बहुत शुक्रिया अनिल भाई, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत शुक्रिया, आप हिम्मत दीजिएगा इंशाल्लाह जरूर, तो आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इतना पहला मैं इस वक्त शिमला शालम मार्केट में हूँ, तो लाहौर में बहुत शदीद गर्मी है, शदीद किस्म की गर्मी है, और इस वक्त तकरीबन टाइम जो हो गया है 7 बज गए हैं, अजानों का टाइम है, मगरब की जाने हो रही है, लेकिन अब आप रश देख सकते हैं, बेशुमार रश है, लोग हर ज़िले से इधर आए हुए हैं शॉपिंग करने, जो कि आप देख सकते हैं, रश से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यहाँ खाने पीने की हर किस्म की सूरत मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, वाटरमेलन जो है भाईजान जो लगाया हुआ है, ये मशरूब वगैरह की वैरायटी लगी हुई है, हर किस्म की सूरत मौजूद है। यहाँ पहले आप देख रहे हैं रात हो चुकी है, मजीद वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मजीद और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द और ज़रूर पहुँचे। आगे मजीद इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें, मजीद वीडियो जो है वो आपको दिखाएँ।